किया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें शुक्रिया आदम सलासलाम जब आसमानों से जमीन पर गिरे हैं साढ़े तीन सौ साल तक शर्मिंदगी से सर नहीं उठाया सर नीचे करके रोते थे इतना रोए हैं इतना रोए हैं हदीस में आता है कि अगर सारी कायनात इंसानी के आंसू जमा किए जाएं हजरत दाऊद अल सलातलाम की आंसुओं का दसवां हिस्सा नहीं बनते हैं दाऊद जब मुनाजात करते थे अल्लाह से इतना रोते थे इतना रोते थे कि जिसकी कोई नज़ीर नहीं फरमाया कि सारी इंसानी जो क्यामत तक रोए उनके आंसू अगर जमा किए जाए तो दाऊद अल का दसवा हिस्सा नहीं बनते और फरमाया दाऊद अल के आंसू जमा किए जाए और सारी कायनाते इंसानी के भी आंसू जमा किए जाए तो आदम अल के आंसुओं का दसवां हिस्सा नहीं बनते इतना रोए किस बात पे इस शर्मिंदगी में कि अल्लाह ने मुझे जन्नत की कीबतें दी नेमते जन्नत की अता किं और मैंने एक फल पर हिरस की और उस फल पे निगार रखे और नाफरमानी करके अल्लाह की कुरबतों से बोध में आ गिरा इस शर्मिंदगी में कि उस अल्लाह ने इतनी इनायतें की और मैंने ये नालकी की इस पर शर्मिंदा होकर रो रहा है साढ़े तीन सौ साल तक रोए कहना आसान है हमसे गलती भी हो जाए तो फिर भी अल्लाह से मुंह फाड़ फाड़ के अल्लाह में फला काम तो हुआ नहीं आपने आपने कहा था कि आपके नबी ने कहा था ये पढ़ के कर लो तो दुआ कबूल होती है हमारी तो हुई नहीं मुंह फाड़ फाड़ हमारा तो वजू सरापा गुना है हमारा तो मुंह ही नहीं कहने का ऊपर उठाए वो आदम इतनी सी बात पर उसमें भी उनकी इश्तिहादी, वो भी इश्क और मस्ती के अंदर खा बैठे इब्लीस ने कहा था ये फल खा लो तो हमेशा हमेशा अल्लाह के करीब रहोगे आज अगर आपको खबर दे दे आपको जिससे मुहब्बत हो कि यार अगर ये काम कर लो हमेशा महबूब के पास रहोगे महबूब की आगोश और उसका विशाल तो आशी क्या करता है कहते यार कोई भी जान जोखिम में डाल के ये काम कर लूँगा तो हमेशा महबूब की आगोश में रहो यही चाह यही चाहेगा तो आदम अलैहिस्सलाम इबलीस शैतान के इस धोखे में आ गए कि अच्छा अगर ये फल खा लिए तो हमेशा अल्लाह के पास रहूंगा पर ईश्को मस्ती के अंदर ऐसी कैफियत तारी होगी उस कैफो सुरूर के अंदर भूल ही गए कि मुझे तो मना किया खाने से लिहाजा उस ईश्को मस्ती के अंदर मदहोश होकर जाकर फल खा लिया तभी तो अल्लाह ने भी उनकी बरात की अल्लाह ने बरात की कि आदम अलैहिस्सलाम जो फल खाए अपने इरादे से नहीं खाया अपने इरादे से निकाया फरम फलम नजीद लहू आजमा के आदम ने फल खाया जो है फलम नजीद लहू आजमा हमने उसके दिल को देखा तो उसमें कोई आजम और इरादा नहीं था कि वो फल खाए उस उसमें तो मेरी मोहब्बत इश्क और विशाल की खबर सुन के ऐसी मदहोशी तैयारी हुई कि सब कुछ फूल के उसे फल खाया तो गोया कि इश्को मस्ती में खाए उसमें भी नाफरमानी मतलूब नहीं थी और हम तो खुदा ना न खासा नाफरमानी करते और पता नाफरमानी है और यह भी पता अल्लाह राजी नहीं है अल्लाह खुश नहीं है अल्लाह का रसूल खुशी फिर भी करते हैं कि चलो यार तोबा कर लेंगे यार सारी दुनिया कर रही है हमने कर लिया तो क्या हुआ नहीं ये आपके लिए कोई उजर नहीं है तो खैर तो आदम अल इतनी सी जो उनसे लफ्जिश हुई उस पर साढ़े तीन सौ साल रो रहे हैं और आंसू बह रहे हैं और उन आंसू से नहरें निकल आई पानी की नहरें निकल आई वो जो पानी बहता तो उस पानी की, की बरकत से अल्लाह तबारक वाले ने आपके मसाले पैदा किए हैं ये जो आप मसाले खाते हैं खा रहे हैं काली मिर्च खा रहे हैं आप जो आए फल खा रहे हैं ये जितने मसाले हैं खानों के ये सारे हजार के आंसुओं से पैदा हुए हैं क्योंकि जहां से ये पानी बहता था वहीं पर अल्लाह तबारक ये मुफीद गजाय पैदा कर रहे थे और जो गज़ाएँ आए कायनात के अंदर चल रही थी अल्लाह ने अपने इस इस तौबा करने वाले इस पैगम्बर की इस बंदे की गो के आंसों की ऐसी कदर की है उन आंसों को जया नहीं होने दिया उन आंसों से अल्लाह तबारक वाले ने आपके खानों के अंदर लजत पैदा करने वाले मसाले बना दिए तो साढ़े तीन सौ साल के बाद सर उठाया है तो आसमान पर लिखा देखा लाला मोहम्मद रसूल तो देखकर हैरान हो गए कि यार ये अल्लाह ने अपने नाम के साथ किसी शख्सियत का नाम लिखा है लगता है ये शख्सियत को मामूली नहीं है कि जिसने जो अल्लाह के नाम के साथ उसका नाम और दरमियान में वाओ का भी फासला नहीं है हालांकि दो सेंटेंस अलग अलग हैं ला इला अल्लाह के सिवा कोई मबूद नहीं ये एक सेंटेंस वाह मोहम्मद और मोहम्मद अल्लाह के रसुल दूसरा सेंटेंस है और जब सेंटेंस बदलता है तो वाह आता है ना अंग्रेजी में एंड आता है उर्दू में और आता है अरबी में वाव आता है अल्लाह तबारक व दो अलग सेंटेंस हैं लेकिन दरमियान में वाव का फासला भी गवारा नहीं किया अपने नाम के साथ मोहम्मद का नाम लिखा इससे आप अंदाजा करें कि मोहम्मद सल्लाम कोई मामूली शख्सत नहीं तो आदम ने समझ लिया कि यह कोई मामूली शख्स नहीं है फ़ौर दुआ किया है मेरे रब्जलाल ये मोहम्मद सल्ला व् के सदकर तोफैल से मेरी माफ़ी कबूल कर ले सबसे पहला वसीला दुआ का आदम सलाम ने पेश किया है आज बहुत से नाला दे। वसीला देना जायज़ नहीं है वसीला शिरक, अल्लाह से डायरेक्ट मांगो डायरेक्ट तो क्या आदम सलाम को यह सबक नहीं पढ़ा था उन्होंने जो नबियों के बाप बने उनको यह सबक पता नहीं था कि डायरेक्ट अल्लाह से मांगू मोहम्मद का वसीला क्यों दू मैं मोहम्मद को वसीला दे रहे हैं जबकि डायरेक्ट तो पहले से माफिया मांग रहे हैं अब वसीला दिया कि मोहम्मद के सदके और तुफैल से या मुझे माफ कर दे तो अल्लाह तबारक वाले पूछा आदम तो ये क्या मालूम ये मोहम्मद कौन है कहा कि मुझे पता तो नहीं है लेकिन मैंने ये कलमा लिखा हुआ देखा है जिसमें आपका आपके नाम के साथ जब इसका नाम है तो मैं समझ गया कि ये कोई बरगुजा शख्सियत है कोई आपकी नज़र में बहुत महबूब और मकबूल शख्सियत है इसलिए मैंने उसका वसीला देकर आपसे दुआ की है अल्लाह तबारक बताए फरमा आदम तुमने बिल्कुल ठीक किया यह तेरी औलाद के अंदर यह सबसे बरगजीदा और मुंतखब पैगंबर है और यह तेरी औलाद के अंदर अंबिया है इस पर नबुवतों के सारे कमाल खत्म हो गई वो शख्सियत है और फर्मा आदम अगर मैं इसको पैदा ना करता तो तुझे भी पैदा ना करता अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो आदम तुझे पैदा ना करता गोया कि तुझे पैदा जो किया इसलिए कि मैंने मोहम्मद को पैदा करना था इससे आप अंदाजा करें कि तखलीकी आदम उनकी वजह तखलीब मोहम्मद की है क्योंकि वो नूर मोहम्मदी जो सबसे पहले के अंदर अल्लाह तबारक व ताल ने पैदा किया अल्लाह ने जब कायनात को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले को चीज पैदा की वो नूर मोहम्मदी को पैदा किया और उसके बाद तो उस नूर मोहम्मदी को तकसीम करते चले गए उससे कुर्सी बना दी उसी में से अर्श बना दिया उसी में से मलाइका बना दिए उसी में सातों आसमान बना दिए उसी में सातों जमीन बना दिए उसी में से ये पूरी कायनात का जर्रा जरा नूर मोहम्मदी को तकसीम करके बनता चला गया यहां तक कि नूर मोहम्मदी को फिर आदम सलात इस्लाम के सुलभ के अंदर अल्लाह तबारक उतार दिया अब ये इनकी सुलभों से ये सिलसिला चलता रहा तो आपकी आली का मुकाम यह कि आदम अल-सलातुल-सलाम वसीला पेश करके जब यह पेश किया है तो अल्लाह तबारक वाल ने आदम को माफ कर दिया कहा कि बस यह कह दो कि रब्बाना जलमनान फुसना वम तखफ व भाई यह कहना था अल्लाह तबारक वब्बा को माफ कर दिया रसूल्ला इतनी बड़ी वजह तखरीके कायनात और रसुल्ला की जात है अल्लाह तबारक वताल हमें वो जता फरमा दी इंसानियत को रसुल्ला अता फरमा है जो सारे नबियों के कमालत लेके आए हर नबी में अलग अलग मुनफरिदन कमाल मौजूद हर नबी बा कमाल लेकिन मोहम्मद सल्लम के कमाल सौरे के सारे नबियों के कमालत का मजमू कायनात हुसन फैली तो लामहदूद थी कायनाते हुसन फैली तो लामहदूद थी जब सिमटी तो नामे मोहम्मद बनकर रह गई कायनाते हुसन फैला कहीं आदम बन गया कहीं नू बन गया कहीं शीश बन गया कहीं इदरीस बन गया कहीं इब्राहिम बन गया कहीं मूसा बन गया कहीं ईसा बन गया कहीं शुब बन गया अयुब बन गया कहीं कहीं जय यूसुफ बन गया कहीं याकूब बन गया लेकिन सारे की सारी कायनात हुसन सिमटी है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गया सारी कायनात सिमटी तो मोहम्मद मुस्तफ़ा बन गया कि मोहम्मद से वफा तोने तो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं इसलिए कि सारी कायनात का हुसन जमाल मोहम्मद की शक्ल में तुम्हें नजर आता है ये तुम्हें दिया और ये वाहिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है अल्लाह ने बेशुमार नमते अता किए हैं अल्लाह ने कुरान में किसी नेमत का एहसान नहीं जितलाया कि देखो मैंने तुम्हें यह नेमत दी है किसी नेमत का अल्लाह ने आज बुलंद आसमान दिए वसी ज़मीन दी पुरवकार पहाड़ दिए खूबसूरत आबशारे दी, दी लहलाते चश्मे दिए लहलाती फसलें दी कितनी नमती इस कदर नेमतें को शुमार में नहीं आती लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिस नेमत का एहसान जितलाया है वो सिर्फ रसूलुल्लाह की नेमत है और कुरान में कहा लकदम्लामोमी अलबत्ता अल्ल तकीक अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर एहसान जितलाई वाहिद नेमत है कि जिसका अल्लाह ने एहसान जितलाया बैतुल्ला दिया एहसान नहीं जित रहा है किताबुल्ला दिया एहसान नहीं जितलाया अंबिया कायनात के अंदर आते किसी का एहसान नहीं जितलाया वो लकद मन वाहि लकदम अल्लाह ने एहसान किया ईमान वालों पर इस बात अफीम रसूल मिन मिनिम जब अल्लाह ने उन्हीं में से उनका एक रसूल मबूस कर दिया मिन अन उन्हीं में से पैदा कर दिया बाहर से नहीं लाए बाहर से नहीं लाए उन्हीं में से पैदा कर तो देखो ये वाहिद नेमत है जिसका एहसान अल्लाह जिता रहे हैं क्या करते वो यतलु अलैहिम आयात ही वो अल्लाह की आयतें पढ़ पढ़ कर सुनाते हैं वह यूज़कीम अंदर उनके दिल और नफ्स को पाक करते हैं लोग वह यूमिताबम और किताब की तालीम देते हैं उसके मारिफ और मसाइल और हक़ खोलते हैं वालक्म और ज़िंदगी गुजारने का सलीका सिखाते हैं दानाई की बातें बताते हैं वह इन कानूबीन कबल जलाबीन अगरचे इससे पहले खुली गुमराही के अंदर थे ये इंसानियत और नबी के जमाने के लोग पहले खुली गुमराही में थे अल्लाह तबारक व तारा ने आपकी ऐसी अता कर दी है कि एक ऐसा एहसान कर दिया कि उनको जहालत की अंधेर से निकाल कर नूर की इलम की रोशनी के अंदर पहुंचा दिया यह आपकी जो